मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एनिवर्सरी वीडियो है या बर्थडे वीडियो काइंड मास्टर में कैसे बनाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे कोई वीडियो बनवाना चाहते हो वो भी फ्री में, तो दोस्तों आप मुझसे सीधा व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि मैंने इस वीडियो में मेरा नंबर ऐड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल टुडेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेडिंग एनिवर्सरी वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो भी वीडियो दिख रही है उसे आपको अलग से बनाना होगा, और इसका जवाब आपको वो वीडियो देखने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद आपको वेडिंग एनिवर्सरी के लिए जिस भी फोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये फ़ोटो आपको इंटरनेट से आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने ये वाली फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड की है और आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। और इसका बैकग्राउंड आप बैकग्राउंड इरेजर ऐप की मदद से आसानी से निकाल सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मास्टर में चले जाना है। काइंड मास्टर में चले जाने के बाद यहाँ से स्क्रीन सिलेक्ट करके आपको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड व्हाइट वाला सिलेक्ट करना होगा। मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर देता हूँ व्हाइट वाला। इसके बाद आपको जो भी फोटो पर एनिवर्सरी वीडियो बनानी है आपको यहाँ से लेयर में जाके और मीडिया में जाके आपको वो फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। इस फोटो को मैंने पिक्सआर्ट की मदद से बॉर्डर लगा लिए। आप पिक्सआर्ट में जाके उस पर बॉर्डर लगा सकते हो। और आप इसमें इन और आउट एनिमेशन दोनों सेट कर सकते हो। इसको इन और आउट एनिमेशन पहले इस फोटो को सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद आपको इन एनिमेशन में जाना है और फेड पे सिलेक्ट करना है। इस तरह का एनिमेशन आप डाल सकते हो। वैसे ही आउट एनिमेशन में जाइए और फेड या अलग कौन सा भी एनिमेशन सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से भी। इसके बाद आप स्पीड भी सेट कर सकते हो। इसके बाद आपने इंटरनेट से जो भी फोटो डाउनलोड की वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो मैं आपको एक फ़ोटो डाल के दिखाता हूँ। आपको लेयर में चले जाना है। लेयर में चले जाने के बाद आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में चले जाने के बाद आपको सीधा स्क्रीनशॉट या डाउनलोड जहाँ पे आपने ये फ़ोटो डाउनलोड की है उसमें चले जाना है। तो मैं ये एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें इन एनिमेशन डाल देता हूँ और इसमें आउट एनिमेशन भी डाल देता हूँ। इसके बाद मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूँ पूरी वीडियो तक और इसे जहाँ भी मुझे सेट करना है मैं वहाँ पे इसे ले जाता हूँ और उसे क्रॉप में ऑप्शन जाके पहले क्रॉप कर लेता हूँ। आपको पूरा क्रॉप करना है इसे जहाँ तक हो सकता है। इसके बाद आपको इसे जहाँ भी लगाना है वहाँ पे आपको सेट कर देना है। और आपको यहाँ पे नीचे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको मल्टीप्लाई पे क्लिक कर लेना है। इसका बैकग्राउंड आसानी से हट जाएगा। इसके बाद मैं सारी फ़ोटो इसी तरह से यहाँ पे डाल देता हूँ। मैं और एक फ़ोटो आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये वाली फ़ोटो सिलेक्ट की, इसके बाद इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सीधा ब्लेंडिंग में चले जाना है और ब्लेंडिंग में जाके आपको मल्टीप्लाई में चले जाना है। देखिए दोस्तों, मेरी ये फोटो क्रॉप हो गई और मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। इसी तरह से आपको सारी फोटो कर लेनी है और आप इसका एनिमेशन भी यहाँ से सेट कर सकते हो। इन एनिमेशन में जाके
और आउट एनिमेशन में जाके। इसे मैं भी एक्सटेंड कर देता हूँ। आप इसे वन बाय वन भी कर सकते हो, जैसे कि यह मैं इसके पीछे लगा देता हूँ, इसके पीछे देखिए जैसे एक आएंगे, ऐसे भी आप इसे सेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ये सारे फोटो डाल दिए, तो इसके बाद आपको सॉन्ग सिलेक्ट कर लेना है। सॉन्ग में जाके तो मैं ऐसे सॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको सीधा लास्ट में चले जाना है और यहाँ से आप ये सॉन्ग कट कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना रख सकते हो। तो ऐसे जाए आपको मैं यहाँ पे ट्रिम टू राइट और प्ले ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इसका सॉन्ग कट कर सकते हो। इसके बाद आपने जो भी वीडियो पहले बनाई है वो वाली वीडियो आपको आगे लगा देनी, इसके लिए आपको सीधा मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में चले जाने के बाद आपने काइन मास्टर में एक्सपोर्ट की वाली वीडियो यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसे आगे डाल सकते हो। और दोस्तों और एक बात, आपको और एक बार लेयर में चले जाके मीडिया में चले जाना है। और मीडिया में चले जाने के बाद आपको ये हार्ट शेप वाली फोटो सिलेक्ट करके क्रॉप कर लेना है। आप इसे इरेजर की मदद से भी इसका बैकग्राउंड निकाल सकते हो। तो मैं वो वाली फ़ोटो ले लेता हूँ जिसको मैंने इरेजर की मदद से क्रॉप कर लिए। तो ये वाली फ़ोटो मैंने इरेजर की मदद से क्रॉप कर ली। इसके बाद में आपको इसको यहाँ पे लगा लेना है और उसकी साइज कम कर लेनी है। और इसका ओवरऑल एनिमेशन में जाके यहाँ रेन पे आपको क्लिक कर लेना है, तो इस तरह से आपकी ये वीडियो में एनिमेशन भी लग जाएगी। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप वीडियो बना सकते हैं।